सिंह भोले हित कारे लागिया हमारे सर्वसिद्ध
यहो रकुल सिमोरण श्रोमणि श्री रामचंद्र नामस करमाह सर्व मनोकामना पूर्ति हिताय सर्व मनोकामना पूर्ति सर्वथा निवारण शिव स्थापना निमित्त यथाशक्त अन्न दान मुद्रा दान वस्त्र दान फल दान स्थान दान सब प्रदेताम त्रिशे श्रीव स्थापना हम त्रिशे समर्पयामि राधि और देखिए अगर कुछ आरती करने वाली की अगर व्यवस्था हो तो आप खड़े होकर के आरती कर लीजिए। शिव स्थापना आपका हो चुका है। एक आवश्यक सूचना है, अगर ओम जय शिव ओंकार हमारे
ग्राम सभा के प्रधान प्रभु हमें आप देश थे। मैं चलना चाहता हूँ तो सेन सहित उतरे रघुवीरा कहे न जाए कपि जो तपवीरा। आप मेरे सेना साथियों अब मेरे साथ चलो इस घाट पर गंगा के उस पार हो। हनुमंत राम जामवन सुग्रीव अंगद कहिए प्रभु। जामवंत कहा पद से लाई। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए उसका उपाय बताओ। हे प्रभु कहिए जामन सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। मंत्र कहवन जमति अनुसारा दूत पठाओ बाल कुमारा। महाराज इस बार मेरी इच्छा है दूत के रूप में बाल के पुत्र अंगद को भेज दिया जाए लंकापुरी। तो नीक मंत्र सबके मन माना अंगद से कह कृपा निधाना। हाँ भैया अच्छा है भैया। हाँ ये तो मंत्र जामवंत जी का बहुत सही है क्योंकि हनुमान जा चुके हैं और अब अंगद को भेजना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि और कोई इस दल में है। तो अंगद से कहा कृपा निधाना। हे पुत्र अंगद कहिए प्रभु। बाल तनय बुध बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। अंगद तुम लंका को जाओ और मेरे कार्य के लिए। बहुत बुझाए तुम्हें का कहो परम चतुर मैं जानत अहो। मैं तुम्हें क्या समझाऊं तुम तो अपने आप ही बहुत चतुर हो। हाँ प्रभु ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है और बाकी मैं क्या जानूं ये हमें क्या करना है। अगर आपका आशीर्वाद है तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। काज हमारा
नहीं सोए। अंगद जाओ और जिस प्रकार से मेरा कार्य होगा उससे वैसे ही बातचीत करना। तो अंगद चले समय से नहाए। ठीक है प्रभु, अगर आपकी आज्ञा है तो हम लंका जाने के लिए तैयार हैं। अब आपसे बात कीजिए। कल्याण हो। जय श्री राम। जय श्री।